अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि एरिया और वॉल्यूम निकालना था हमने सर्कल या स्फीयर का, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या निकालने लगे हैं? एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ कोन, किसी भी कोन का हमने एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक कोन दी हुई है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सर्कुलर बेस होती है और एक कर्व सरफेस है, ठीक है? यानी कि लैटरल एरिया है और एक सर्कुलर बेस है। लैटरल एरिया को हम कर्व सरफेस भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस कोन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, स्लैंट हाइट है, एक हाइट है इसकी, लेकिन जो स्लैंट हाइट है वो ये जो कर्व लैटरल एरिया है उससे डिपेंड कर देंगे हम, और हाइट जो है वो जैसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसके मिड में रेडियस आर तक, तो वो हमारी हाइट है, ठीक है? वर्टेक्स इसका क्या होगा? वी वर्टेक्स है हमारा, रेडियस है, हाइट है, स्लैंट हाइट है, और इसका सेंटर है पॉइंट ओ के ऊपर। अब इसकी दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक सरफेस एरिया ऑफ अ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन। सबसे पहले हम सरफेस एरिया ऑफ अ कोन देखते हैं। वी नो दैट द एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ अ कोन हुज रेडियस आर इज गिवन। अब बेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है? ये सिर्फ बेस एरिया का, जो सिर्फ नीचे वाले बेस का है। अगर हमें कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालना है तो वो हमारे पास क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इक्वल टू पाई आर एल। इसमें इसकी जो स्लैंट हाइट है वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अब बेस एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर है और कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल है। अगर हम इसका टोटल निकालना चाहें तो हम इन दोनों को सम अप कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। इन दोनों में से देखें आप, पाई आर कॉमन निकल जाए तो अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी? इसमें से एक आर प्लस इधर एल आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया किसका? कोन का, ठीक है? नेक्स्ट हमने वॉल्यूम फाइंड करना है कोन का। उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं? हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर जो है वो तीन दफ़ा किसी भी सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हम इसका फॉर्मूले में लिखेंगे? थ्री टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अ कॉन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो इसके तीन टाइम्स वॉल्यूम के इक्वल है। सिंस वी नो दैट, अब वॉल्यूम ऑफ अ कॉन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी? वन ओवर थ्री पाई आर स्क्वायर एच। एच जो है वो रेडियस और हाइट दोनों को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के साथ ही हम लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? वन ओवर थ्री पाई आर स्क्वायर क्या चीज़ है? एरिया ऑफ द बेस है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था अभी सरफेस एरिया ऑफ अ कोन निकालने में, और एच इसकी हाइट है यहाँ पे। तो ये वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला हमारे पास क्या निकला है? वन ओवर थ्री पाई आर स्क्वायर एच। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर वन की तरफ आते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.4। राइट डाउन द मिसिंग एलिमेंट ऑफ द कॉन्स फॉर विच ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। अब इसका पार्ट नंबर वन देखें, आर की वैल्यू गिवन नहीं है, एच की वैल्यू 8 गिवन है, एल इक्वल टू 10 है, कर्व सरफेस, बेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये तीनों की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि रेडियस अगर हमने फाइंड करना है तो एच और एल हमारे पास गिवन है, तो हमें पता है ना इस फॉर्मूले से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। टू फाइंड द रेडियस वी नो दैट, ये एक फॉर्मूला है, एल इक्वल टू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे तो एल इक्वल के वहाँ पे है, लेकिन अगर हमने आर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो हमें आर इक्वल के एक साइड पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे? आर स्क्वायर को यहीं पे रहने देंगे, एच स्क्वायर यहाँ पे प्लस हो रहा है आर के साथ, एल स्क्वायर के साथ जाके माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, एल इक्वल टू 10 है और एच इक्वल टू 8 है, एल की जगह पे 10 पुट कर दिया और एच की जगह पे 8। अब यहाँ पे देखें इसका स्क्वायर अगर हम निकालेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64, 100 में से 64 माइनस करेंगे 36 आ जाएगा। अब स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट मैंने ले लिया और आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 6। अब यहाँ तक हमारा रेडियस निकला है, तो हमारे पास आर की वैल्यू भी आ गई है, एच की भी और एल की भी। अब हमने कर्व एरिया निकालना है। कर्व एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, पाई आर एल होता है, तो पाई की जगह पे
22 डिवाइडेड बाय 7 लगा देंगे, मल्टीप्लाई आर की जगह पे 6, यहाँ पे जो वैल्यू हमारी निकली थी वो वाली, एल इक्वल टू 10 है, ये पहले से गिवन है। अब इन तमाम वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर दें, 7 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कर्व्ड एरिया निकल आया 188.57। अब कर्व्ड एरिया के बाद हमें बेस एरिया भी चाहिए। बेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू लगाई, आर की वैल्यू लगा दी, आर का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 113.14। ये हमारे पास क्या निकला, बेस एरिया। अब टोटल एरिया हम कैसे निकालते हैं, कर्व्ड एरिया प्लस बेस एरिया को ऐड करके, इन दोनों को ऐड हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला हमने निकाला था पीछे, पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू, आर मल्टीप्लाई बाय 6 और आर प्लस एल की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 6 प्लस 10। तो इन तमाम वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करें, 22 मल्टीप्लाई बाय 6 132, 6 प्लस 10 16 आ जाएगा, 16 को 132 से मल्टीप्लाई करके 7 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 301.71। यहाँ तक हमारी सारी वैल्यूज निकल आई हैं, टोटल सरफेस एरिया भी, बेस एरिया भी, कर्व्ड एरिया भी और आर की वैल्यू सबसे पहले हमने फाइंड की थी। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है जी स्टूडेंट्स। तो अब इसका पार्ट नंबर 2 आपने खुद से करना है। वहां पे सिंपल एल की वैल्यू हमें हमारे पास गिवन नहीं थी, आप इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए एल इक्वल टू स्क्वायर रूट 8² प्लस आर स्क्वायर सिंपल इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इससे प्रीवियस वाले फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास आर की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो हमने आर के लिए इस फॉर्मूले को पहले सोल्व किया था और फिर हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट की थी। लेकिन पार्ट नंबर 2 में आपको ऑलरेडी एल की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए एल की निकालेंगे और इसी तरह बाकी 3 वैल्यूज भी फाइंड करेंगे, कर्व सर्फेस एरिया की, बेस एरिया की और टोटल सर्फेस एरिया की। अब पार्ट नंबर 3 में आपको करवा रही हूँ, यहाँ पे देखें आर की वैल्यू गिवन है इक्वल टू 9, एच हमारे पास गिवन नहीं है, एल 25 के इक्वल है, बेस एरिया, कर्व्ड एरिया और टोटल एरिया भी गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम हाइट फाइंड आउट करेंगे, कैसे, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एल इक्वल टू स्क्वायर रूट 8² प्लस आर स्क्वायर। अब इधर से हमें एच की वैल्यू चाहिए तो हम एच को इस साइड पे लेकर आएंगे, सबसे पहले हम स्क्वायर रूट खत्म कर देंगे, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है एल स्क्वायर इक्वल टू 8² प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर लगा के। अब देखें एच चाहिए हमें तो एच को इसी साइड पे रहने देंगे, आर यहाँ पे प्लस हो रहा है वहाँ पे जाके एल के साथ माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल और आर की वैल्यू गिवन है, एल की जगह पे 25 पुट कर दें और आर की जगह पे 9 पुट कर दें, इन दोनों का स्क्वायर निकालें, 25 का स्क्वायर हमारे पास 625 आ जाएगा, माइनस आर का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 81, 9 स्क्वायर है तो 81 आ गया। अब 625 में से हम 81 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 544, 8 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 544, लेकिन हमें सिंपल एज की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल एज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से तो कैंसिल हो जाएगा पर 544 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना आता है, तो इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 23.32। ये हमारे पास फाइनल एज की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट हमने कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू लिखी हुई है, निकालनी है, इसका फॉर्मूला हमें पता है पाई आर एल होता है, पाई की वैल्यू हमें पता है 22 डिवाइडेड बाय 7 है, आर की वैल्यू यहाँ पे 9 गिवन है और एल की वैल्यू 25 गिवन है। इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद आप 7 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 4950 डिवाइडेड बाय 7, इसका आंसर क्या आएगा 707.14। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू निकल आई। नेक्स्ट हमने बेस एरिया निकाला है, बेस एरिया की वैल्यू भी आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू लगा देंगे मल्टीप्लाई आर, हमें पता है 9 है तो 9 स्क्वायर हो जाएगा। अब 9 स्क्वायर की जगह 81 आ गया, 81 को मल्टीप्लाई कर देंगे 222 से और डिवाइड कर देंगे 7 पे तो हमारे पास आंसर में क्या वैल्यू आ जाएगी 254.57। यहाँ तक हमारे पास बेस एरिया निकल आया। अब कर्व सरफेस एरिया और बेस एरिया तो निकल आया लेकिन टोटल सरफेस एरिया हमारे पास नहीं है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई की वैल्यू लगा देंगे इंटू आर की वैल्यू 9 पुट कर देंगे,
इंटू आर की वैल्यू 9 प्लस एल 25 के इक्वल है, 9 प्लस 25 34 के इक्वल है, 9 मल्टीप्लाई 22 198 आ जाएगा, 198 को 34 पे मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद डिवाइड कर दें 7 पे, तो हमारे पास फाइनल टोटल सरफेस एरिया जो है वो 961.71 आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट्स, तो अब पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो R की वैल्यू भी गिवन नहीं है, H की वैल्यू भी गिवन नहीं है और L की वैल्यू भी गिवन नहीं है, कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू भी गिवन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो बेस एरिया की गिवन है और टोटल सरफेस एरिया की गिवन है। बेस एरिया की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर और टोटल सरफेस एरिया की है 374 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन थे उसमें ऊपर वाली तकरीबन दो वैल्यू जो थी वो गिवन होती थी, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। तो जो वैल्यू गिवन है उधर उसको उस वाले फॉर्मूले को हम पहले यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बेस एरिया की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो सबसे पहले हम बेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। बेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है बेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बेस एरिया की वैल्यू चूँकि हमारे पास गिवन है तो बेस एरिया वाले साइड में हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे क्या 154 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एज इट इज आ गया। 154 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हम लगा देंगे 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर एज इट इज। अब आर की वैल्यू तो हमारे पास गिवन नहीं है तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन को सोल्व, इस इक्वेशन को सोल्व करते हुए हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम 22 डिवाइडेड बाय 7 को R से इक्वल के वहाँ पे लेके जाएंगे क्योंकि हमें सिंपल R चाहिए। 154 7 डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करें, 22 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा R स्क्वायर इक्वल टू 49। दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लेंगे, R स्क्वेयर का जो स्क्वेयर रूट है वो कैंसिल हो गया। स्क्वेयर रूट 49 की वैल्यू हमारे पास पता है 7 होती है, इस जगह पे हम जो उसने पहले से ही लेंथ की मेजरमेंट दी नहीं है वो सेंटीमीटर में है तो आपने सब क्वेश्चंस में यही लगा देनी है, ठीक है सेंटीमीटर। आर की वैल्यू के आगे हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब बेस एरिया जो हमारे पास गिवन था उसका फॉर्मूला हमने लगाते हुए आर की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब दूसरी चीज़ जो हमारे पास गिवन है वो क्या है टोटल सरफेस एरिया, तो इसके बाद हम किसका फॉर्मूला लगा देंगे टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल है पाई आर इंटू आर प्लस एल, इसका फॉर्मूला अब देखें टोटल एरिया की वैल्यू गिवन है 374 तो उसकी जगह पे 374 हमने लगा देना है, पाई की जगह पे 22 डिवाइडेड बाय 7 उसकी वैल्यू लगा दी मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 7 और इंटू आर प्लस एल था, आर की जगह पे आर की वैल्यू पुट कर दी एल एज इट इज आ गया क्योंकि उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। तो अब यहाँ से सारी वैल्यूज हमने पुट कर चुके हैं सिर्फ एल रह गया तो इसका मतलब है एल की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 374 मल्टीप्लाई अब देखें 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 7 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, इस इक्वल के वहाँ पे सिर्फ क्या वैल्यू रह गई 7 प्लस एल। अब इनको वैल्यूज को सॉल्व कर दें, 374 को मल्टीप्लाई कर दें 7 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 2618 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7 के आ गया 154 इज इक्वल के यहाँ ये एज इट जो वैल्यू है एज इट इज आ गई 7 प्लस एल। अब नेक्स्ट देखें इन दोनों वैल्यूज को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17 इज इक्वल टू 7 प्लस एल एज इट इज। अब एल की वैल्यू चाहिए तो 7 हमारे पास नहीं होना चाहिए इधर एल के साथ, तो इधर एल के साथ 7 प्लस हो रहा है 17 के साथ वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 17 में से जब हम 7 से ट्रैक कर देंगे तो हमारे पास एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब देखें आर की वैल्यू भी गिवन निकल आई है, एल की वैल्यू भी, अब सिर्फ हाइट रह गई है। तो हाइट निकालने के लिए जब भी दो वैल्यूज गिवन हो और तीसरी फाइंड आउट करनी हो आर एच या एल में से तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं एल इज इक्वल टू स्केयर रूट एच स्केयर प्लस आर स्केयर। अब दोनों तरफ स्केयर जे स्केयर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे तो इस वजह से एल के ऊपर स्क्वेयर आ जाएगा इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर एज इट इज। ए स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए तो ए स्क्वेयर अपनी जगह पे ही रहेगा, आर स्क्वेयर एल स्क्वेयर के साथ जाके माइनस हो गया, एल और आर की वैल्यू लगा दी स्क्वेयर ले लिया तो हमारे पास 100 माइनस 49 आ जाएगा।
100 में से जब 49 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 51, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 51 आ गई है। अब ए स्क्वायर है, हमें सिंपल एज की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरह स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट 51 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 7.14 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है हाइट भी निकल आई। अब सिर्फ एक वैल्यू रह गई और वो है कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर एल होता है। सारी वैल्यूज गिवन है, पाई की भी, आर की भी और एल की भी, तीनों की वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 220 सेंटीमीटर। अब देखें यहाँ पे आपने सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है, क्योंकि 7 के साथ भी सेंटीमीटर है और जो एल की वैल्यू है उसके साथ भी सेंटीमीटर है, तो ये मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये यहाँ आपने सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लगा देना है 220 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इफ। अब इसके चार पार्ट है। नंबर 1 वाला है, आर की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर और एज इक्वल है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है और एज की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, हमने वॉल्यूम ऑफ द कॉन फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, एग्जांपल में क्या था, वॉल्यूम ऑफ द कॉन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एज, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसकी जगह पे देखें सारी वैल्यूज गिवन है, आर की भी गिवन है और एज की भी गिवन है और पाई की आपको पहले से ही पता है, तो हम सिंपल वैल्यूज पुट करके इसे सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे। 1/3 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 होती है, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई एज की वैल्यू 4 है। अब 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 22 आ जाएगा, 7 3 21 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 4 एज इट इज, 22 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 792 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 21 से तो हमारा आंसर क्या आएगा 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब क्यों आएगा, क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर क्यूबिक की फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट नंबर 2 एज इट इज इसी तरह से है, वो आपने खुद करना है सॉल्व। पार्ट नंबर 3 देखें, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है और यहाँ पे अब एल की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर, लेकिन अब अगर आप गौर से देखें तो वॉल्यूम ऑफ कॉन के फॉर्मूले में एल कहीं भी यूज नहीं होता, तो हम एल से फाइंड करेंगे एज की वैल्यू। हमें पता है ना कि अगर आर एल या एज में से तीनों में से दो भी वैल्यूज गिवन हो तो हम थर्ड वाली इस वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि है एल इज इक्वल टू स्केयर रूट एज स्केयर प्लस आर स्केयर। अब इधर से आप एज स्केयर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, सबसे पहले तो हम स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे तो एल के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू एज स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एज की वैल्यू को एक जगह पे रहने देंगे, एल स्क्वायर के साथ माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वो प्लस हो रहा था एज के साथ, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। एल और आर की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू 7 है और आर की वैल्यू 5 है, 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 49, माइनस 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 49 में से माइनस कर देंगे 25 तो हमारा आंसर आएगा 24, लेकिन ये सिर्फ एज स्क्वायर की वैल्यू है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर जो है वो एज का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 24 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक सिर्फ एज की वैल्यू निकली है, अभी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है हमें, तो वॉल्यूम ऑफ अ कॉन ये फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एज, पाई की वैल्यू लगा देंगे, आर की और एज सबकी वैल्यूज लगा देंगे, इनको सॉल्व करेंगे और आंसर निकल आएगा हमारा, कैसे, 22 को 1 से मल्टीप्लाई करके 22, 7 3 21 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर 25 होता है, मल्टीप्लाई 4.8 एज इट इज आ गया। अब तो इन सारी ऊपर वाली वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 2640, डिवाइड करेंगे 21 के साथ तो आ जाएगा 125.7 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया हमने। अब पार्ट नंबर 4 एज इट इज़ है, उसमें एज और एल की वैल्यू गिवन है, आपको मैंने अभी बताया था तीनों में से दो भी वैल्यू गिवन होंगी, आप थर्ड ये वाले इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो अब जब इस वाले फॉर्मूले से आर की वैल्यू निकालेंगे और वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं इसी तरीके से, तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं।
स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ आएं। क्वेश्चन नंबर थ्री की हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ कॉनिकल कप इज फुल ऑफ आइसक्रीम। एक कॉनिकल कप है जो कि आइसक्रीम से फुल किया गया है। कॉनिकल कप का आपको पता है ना, एक कॉन की शक्ल का है। जैसे अभी हमने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने पढ़ा था कि कॉन के दो पार्ट्स होते हैं, बेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे वो कॉन है जो कि फुल ऑफ आइसक्रीम है। व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ द आइसक्रीम, हमने पता करना है कि उसमें कितनी आइसक्रीम है। इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कॉन आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। जहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है, रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है और हाइट हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली क्या शो कर रहा है कि अगर रेडियस पहले लिखा हुआ है तो उसकी पहली ही वैल्यू होगी और हाइट बाद में लिखी है तो हाइट की वैल्यू बाद वाली होगी। तो अब जो गिवन डाटा, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ अ कॉनिकल कप, यानी कि आर हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर, हाइट है 5 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड आउट करना है कि वो कितने वॉल्यूम में है आइसक्रीम, ठीक है, यानी कि कितनी है आइसक्रीम। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द कॉन का फॉर्मूला ये है, 1/3 πr² h। अब सारी वैल्यूज गिवन है हमारे पास, सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/3 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 7, पाई की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 4 गिवन है तो 4 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू 5 है तो 5 आ गया। अब देखें 22 मल्टीप्लाई बाय 1, 22 डिवाइडेड बाय 7, 3 21 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर 16 होता है, मल्टीप्लाई 5 एज इट इज आ गया। 22 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 5, इनको मल्टीप्लाई करके इस 21 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकल आएगा, 83.79 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स आंसर है ये, ठीक है। क्यूब क्यों लगाया हमने, क्योंकि वॉल्यूम का ये यूनिट है क्यूबिक फॉर्म में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, सिर्फ इसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 4 की हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड कोन ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज गिवन हैं, कौन कौन सी, हाइट 4 सेंटीमीटर है और रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। देखें अब हमें पता है कि दो वैल्यूज अगर आर या एच की या एल, दो इनमें से दो वैल्यूज अगर गिवन हो तो थर्ड वाली हम स्लैंट हाइट ऑफ कौन से फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला आपको पता है, एल इज इक्वल टू स्केयर रूट r² + h². यहाँ से हम एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। स्केयर रूट r² + h² था, आर की वैल्यू भी गिवन थी और एच की वैल्यू भी गिवन थी। अब यहाँ पे आर की जगह पे 3 लगा दें, 3² + 4² एच की वैल्यू है, 3² 9 होता है, 4² 16 होता है, 9 + 16 25 आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 5 होता है, हमें पता है। तो यहाँ पे एल की वैल्यू गिवन आ गई हमारे पास क्या, 5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हमने निकालना है, जिसका फॉर्मूला हमें पता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 3 जो कि गिवन थी हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, एल की वैल्यू 5 थी प्लस आर की वैल्यू 3 थी, ठीक है। एल की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट की है, 5 + 3 क्या हो गया, 8। इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके 7 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75.42 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कम्प्लीट हो गया। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कॉन इज 38.50 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया ऑफ अ बेस कॉन हमारे पास गिवन है, यानी कि बेस एरिया ऑफ कॉन हमारे पास गिवन है, वो कितना है, 38.50 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इफ इट्स हाइट इज 3 times द रेडियस ऑफ द बेस, फाइंड इट्स वॉल्यूम। वो कह रहा है कि इसकी जो हाइट है वो 3 गुना ज्यादा है उसके रेडियस से, यानी कि 3 times ऑफ द रेडियस। अगर हम रेडियस को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उसकी हाइट आ जाएगी। तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, और रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें पता है कि जो चीज़ हमारे पास गिवन होती है उसका फॉर्मूला यूज करते हुए हम उस रेडियस निकालते हैं। अब देखें यहाँ पे बेस एरिया ऑफ कॉन गिवन है, वो क्या है, 38.50 सेंटीमीटर, और बेस एरिया ऑफ कॉन का फॉर्मूला हमें पता है वो क्या होता है, πr². तो बेस एरिया ऑफ कॉन की जगह पे मैंने नीचे क्या लगा दिया, πr² इज इक्वल टू 38.50 जो कि उसकी वैल्यू गिवन थी। पाई की जगह पे वैल्यू लगा देंगे, 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई r² एज इट इज आ जाएगा,
इक्वल टू 38.50। अब देखिए आर स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए हमें, तो 22 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइड मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है, तो वहाँ जाके 22 डिवाइड हो जाएगा और 7 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको 38.50 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ और डिवाइड कर देंगे 22 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 12.25। आर स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 12.25। हमें सिंपल आर की वैल्यू चाहिए, बोथ साइड पे हमने स्क्वेयर रूट ले लिया, आर का स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल आर आ जाएगा और स्क्वेयर रूट 12.25 निकालेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आएगा 3.5 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ तक। अब आगे उसने क्या कहा है, इफ़ इट्स हाइट इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, 3 टाइम्स रेडियस के इक्वल है उसकी हाइट, तो रेडियस को 3 से मल्टीप्लाई करके हमने एज की वैल्यू निकाल ली है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट उसने हमें कहा है कि इसका वॉल्यूम फाइंड करें, फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम का हमें पता है कि फॉर्मूला होता है 1/3 πr² एज। अब सबकी जगह वैल्यू लगा दे, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 7 पाई की वैल्यू है, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 3.5, तो 3.5 का स्क्वेयर आ जाएगा, मल्टीप्लाई एज की वैल्यू हमने निकाली थी 10.5, तो 10.5 आ गया। अब इन सारी वैल्यूज को आपने कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास वी की वैल्यू निकल आएगी 134.75 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट रीड करें, यहाँ कॉनिकल टेंट इज 8.5 मीटर हाई। एक टेंट है कॉनिकल, कॉनिकल फॉर्म में है, यानी कि जैसे कॉन की शेप में है। उसकी हाइट है 8.54 मीटर एंड इट्स बेस इज 54 डीएम। ठीक है, डेसिमल में है इसकी बेस। रेडियस इसका है, इट इज़ टू बी यूज टू एकोमोडेट स्काउट्स। अब उस वो कह रहा है कि उस टेंट से हमें कितने स्काउट्स में तकसीम किया गया, हाउ मैनी स्काउट्स कैन बी एकोमोडेटेड इन द टेंट इफ ईच स्काउट रिक्वायर्स 5.83 मीटर क्यूब ऑफ एयर। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका डाटा क्या है। हाइट ऑफ एज गिवन है 8.4 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस ऑफ बेस 54 डीएम। डीएम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 5.4 मीटर। वॉल्यूम ऑफ कौन हमने फाइंड आउट करना है, सबसे पहले 1/3 πr² एज, इसका फॉर्मूला हमें पता है, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया था, और इसकी वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे 1/3 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे पाई की वैल्यू लगा देंगे 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5.4 हमने यहाँ पर निकाल लिया, तो आर की जगह पे हम 5.4 रिप्लेस कर देंगे। मल्टीप्लाई एज की वैल्यू भी गिवन थी 8.4। इन सब वैल्यूज को आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम निकल आएगा 256.61 मीटर क्यूब। अब वो कह रहा है हर स्काउट के लिए जो उसकी वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है 5.832 मीटर क्यूब। अब टोटल में से जब हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ईच स्काउट की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, एक स्काउट की वैल्यू निकल आएगी, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल वॉल्यूम था उसको डिवाइड कर देंगे किस पे, 5.832 पे। नंबर ऑफ स्काउट्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द टेक्स्ट इज इक्वल टू 256.61 डिवाइडेड बाई 5.832। इसको डिवाइड करके हमारे पास 44 वैल्यू किसकी निकल आई है, कि हमारे पास 44 स्काउट बनेंगे हर एक टेंट के अंदर जो कि कॉनिकल शेप का है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी 9.4 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपने जो क्वेश्चन मैंने पार्ट्स जो नहीं करवाए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के, वो आपने अच्छी तरह से सबसे पहले तो रफ रजिस्टर पे उसे सॉल्व करना है। अगर फिर भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वीडियो को बार बार देखें, अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। इसमें सिर्फ 3-4 फॉर्मूला जो हैं वो यूज़ किए गए हैं और हर क्वेश्चन में बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज़ करना है, क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो गिवन है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपने नीट कॉपीज पर ये पूरी एक्सरसाइज उतारनी है अपनी। ठीक है, जो कि आपके वेकेशन के बाद भी चेक होंगे होगा काम। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।